हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.7 एटमॉस्फेयर एट 40 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इन मोलरिटी। बी इज फ्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड। अज्यूम मोलरिटी एंड मोलरिटी बी सेम। के एफ इज इक्वल टू 1.86। तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड एंड हमारे पास क्या करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड। तो बच्चों की कंसेप्ट क्या यूज होगा, बच्चों की कंसेप्ट दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं हमें गिवन क्या है। अगर यहां पे बात करें पहला दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई। हमें कितना दे रखा है बच्चों 7.7 एटमॉस्फेयर। सेकंड हमें क्या गिवन है बच्चों टेम्परेचर दे रखा है कितना है बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम केल्विन के अंदर बच्चों कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 1313 केल्विन। उसके बाद में हमें यहाँ पे केएफ दे रखा है 1.86 और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इन मोलेरिटी एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है बच्चों, पाई हमें दे रखा है 7.7 दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सी हमें क्या करना है बच्चों निकालना है इन टू आर हमारे पास गैस कॉन्स्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास बच्चों 0.821 इंटू टेम्परेचर हमें दे रखा है दैट इज 313 केल्विन। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों सी को कैलकुलेट कर लेंगे तो सी क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 7.7 अपॉन 0.821 इंटू 313 केल्विन। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0.30 मोलर। तो यहां से हमने पहले क्या कैलकुलेट कर ली बच्चों कंसंट्रेशन है वो कैलकुलेट कर ली जो कि हमें ए स्टेटमेंट के अंदर दी गई थी। ठीक है, अब कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट कर ली जो हमारी किसमें बच्चों मोलेरिटी के अंदर है और हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो मोलेरिटी है वो किसके इक्वल है बच्चों मोलेरिटी के। तो यहां से हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है बच्चों क्या होती है जो हमारे पास मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज डेल टी एफ। ये क्या है बच्चों हमारे पास मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये किसके इक्वल होता है बच्चों ये हमारे पास होता है बच्चों के एफ इनटू एम। एम क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पे मोलरिटी है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास किसके इक्वल हो गया के एफ इनटू एम। अब बच्चों के एफ हमें दिया गया है कितना दे रखा है बच्चों 1.86 इनटू क्या है बच्चों मोलेरिटी किसको इक्वल थी मोलेरिटी के। तो यहां से हमारे पास इसको क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आ जाएगी 0.5580 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या था बच्चों डेल टी एफ था दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब हमारे पास बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है ब्लड के लिए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों वो हमारे पास टी एफ होता है बच्चों इक्वल टू 0 - δTF। तो यहां से बच्चों क्या होगा 0 - δTF हमने कैलकुलेट कर लिया था वो कितना था 0.5580 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों -0.5580 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड। ये क्या है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड है जो हमारा इक्वल होता है बच्चों 0 -
डेल टी एफ, ये हमारे पास था फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारे पास बी हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज -0.5580 डिग्री सेल्सियस, और ए हमारे पास क्या था बच्चों, कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज 0.30 मोलर। तो यहां से हमारा जो ए होगा बच्चों, दैट विल बी 0.30 मोलर, एंड बी विल बी हमारे पास होगा -0.5580 डिग्री सेल्सियस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।